Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you have learned what we studied previously. We have started our new chapter, but we have to attempt the activity of first chapter. Today we will solve our activity number one. Take out your books and open your page number five. And on page number five, we have our activity number one of first chapter, that is ourselves, right? फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट. अब ये किसके बारे में बता रहे हैं? हमने पढ़े थे कुछ फैक्टर्स जो हमारी हार्ट रेट या हमारे हार्ट बीट पे क्या करती हैं, हमारी पल्स रेट पे क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं. अब आपको कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं ये, और उनके दरमियान की कन्वर्सेशन है, उनके दरमियान जो बातचीत है, हम उसको स्टडी करेंगे और फिर हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनको क्या करेंगे, आंसर्स करेंगे. आतिफ, इफ आई रन फॉर 2 मिनट्स इट विल इंक्रीज माई पल्स रेट. आतिफ क्या कह रहा है? अगर मैं 2 मिनट के लिए भागूं तो मेरी जो पल्स रेट है, मेरा जो हार्ट रेट है, मेरी हार्ट बीट है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज या बढ़ जाएगी. अलीना, इफ आई रन फॉर 3 मिनट्स अगर मैं 3 मिनट के लिए भागूं इट विल इंक्रीज मोर एंड टेक लॉन्गर टू गेट बैक टू नॉर्मल. तो कह रही है कि वो तुमसे भी ज्यादा जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी और क्या होगी, टेक लॉन्गर टू गेट बैक टू नॉर्मल, और बहुत टाइम लेगी नॉर्मल हार्ट बीट को आने में वापस. ठीक है. हमजा, इफ आई एक्सरसाइज हार्डर माई पल्स रेट विल इंक्रीज मोर. कहना है कि अगर मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूं, ज्यादा तेजी से एक्सरसाइज करूं, तो मेरी पल्स रेट जो है वो क्या करेगी, ज्यादा इंक्रीज होगी. अहमद, माई पल्स रेट विल नॉट जस्ट कीप गोइंग अप एंड अप. मेरी जो है पल्स रेट नॉर्मल ही रहेगी, वो ऊपर या इंक्रीज नहीं करेगी. रोज, सम एक्सरसाइज विल इंक्रीज माई पल्स रेट मोर देन अदर्स. कहती हैं कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि वो जो पल्स रेट को है बाकी एक्सरसाइज के निस्बत ज्यादा तेज कर देती हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन. अब ये इन्होंने पल्स रेट के बारे में डिस्कशन की है, ठीक है, इन फ्रेंड्स ने. अब हमने इनकी डिस्कशन को देख के हमने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. How are you going to test your prediction? अब आपने अपनी prediction बतानी है. आपने prediction किसको कहते हैं? आपने अपने इनकी जो discussion है उसको सुनने के बाद अब आपने अपनी एक prediction बनानी है, एक statement बनानी है जो उनकी discussion को match करे. Between आतिफ and अलीना, अब आपने आतिफ और अलीना की discussion को देख के prediction करनी है. Who do you think will have higher pulse rate? Why? आपको क्या लगता है कि किसकी जो पल्स रेट है वो ज्यादा होगी और क्यों, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है, जिसने ज्यादा देर एक्सरसाइज की होगी तो उसी की पल्स रेट ज्यादा होगी. ऐसे ही है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपने यहाँ पे बुक पे आंसर लिखना है. तो फर्स्ट आंसर विल बी आई विल, हाउ आर यू गोइंग टू टेस्ट योर प्रिडिक्शन, कैसे आप करेंगे? आई विल check my prediction. I will check my prediction by doing exercise. Alina has higher pulse rate because she ran for how many minutes? For 3 minutes. Right? अब आपने कैसे चेक की कि मैं अगर 3 मिनट के लिए मैंने जो एक्सरसाइज अलीना और आतिफ ने की वही मैंने की. उन्होंने क्या एक्सरसाइज की? रनिंग. मैं दौड़ी, ठीक है, मैंने चेक किया कि अगर 2 मिनट में कितनी पल्स रेट है और 3 मिनट्स में, जाहिर सी बात है ज्यादा दौड़ने में ज्यादा पल्स रेट या आपकी हार्ट बीट जो वो ज्यादा तेज होगी. इसलिए अलीना की जो डिस्कशन है कि अगर वो 3 मिनट्स भाग गई है तो 3 मिनट से ज्यादा हाई जो रेट है आपका वो क्या होता है, इंक्रीज होता है.
Now come to question number 2. Why Ahmed's pulse rate will not keep going up if he stops running? कह रहे हैं कि अहमद की पल्स रेट जो है वो क्यों नहीं बढ़ेगी अगर वो भागना स्टॉप कर दे. क्यों? बिकॉज अहमद वॉज नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज. अहमद भाग ही नहीं रहा था, अहमद कोई एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी उसकी जो पल्स रेट है वो नॉर्मल थी, वो इंक्रीज हुई ही नहीं. तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज बिकॉज अहमद was not doing any exercise. या आप लिख सकते हैं because Ahmed was not running. Simple. Now come to question number 3. Now turn the page. Question number 3 is, do you agree with Hamza that if you exercise harder, your pulse rate will increase? Why? कहने कि आप हमजा ने जो बात की थी कि अगर मैं ज़्यादा तेज एक्सरसाइज करूँ तो मेरा पल्स रेट जो है वो इंक्रीज करेगा. अगर तो आप उसकी बात से अग्री करते हैं, अगर उसकी बात को मानते हैं, तो वजह बताएं कि क्यों मानते हैं. उन्होंने आगे वाई भी पूछा हुआ है, तो आप वजह बताएं कि आप उसकी बात से क्यों अग्री कर रहे हैं. राइट right? तो हम क्या लिखेंगे? यस, हम एग्री तो कर रहे हैं. यस, ऐसा ही है कि अगर हम ज़्यादा तेज एक्सरसाइज करें तो हमारा पल्स रेट बढ़ेगा. अब रीज़न बताएं. यस इफ वी एक्सरसाइज हार्डर our pulse rate will increase. Will increase because क्यों? Because our heart start beating fast. राइट? यस, इफ वी एक्सरसाइज हार्डर. हाँ, अगर हम ज्यादा या तेजी से एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी पल्स रेट जो है वो बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारी हार्ट बीट जो है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. नेम सम एक्सरसाइज दैट विल इंक्रीज पल्स रेट. अब कुछ एक्सरसाइजेस का नाम आपने यहाँ लिखना है जो आपकी पल्स रेट को इंक्रीज कर सकती हैं. क्या क्या हो सकती हैं? रनिंग, जंपिंग, पुशअप्स, दीज आर एक्सरसाइजेस. साइकिलिंग एक्सेट्रा. राइट? दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 1. व्हाट यू हैव टू डू इज क्लास 5th, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज और एक्टिविटी ऑन योर बुक. राइट? यू हैव टू राइट दीज आंसर्स ऑन योर बुक, टेक्स्ट बुक, ऑन पेज नंबर 5 एंड ऑन पेज नंबर 6. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.